असाइनमेंट हो गया सबका? सबका असाइनमेंट हो गया? अरे असाइनमेंट देखे भी या नहीं जो दिया था मैंने संडे को? अच्छा सारा क्वेश्चन बन गया सच्चे या कोई डाउट है? अच्छा सेंड कर दिया, ठीक है देखते हैं। मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम था थोड़ा। ठीक है मैं आज चेक कर लूँगा उसके बाद देखता हूँ, और अगर कुछ डाउट भी है तो आज जो आपको पढ़ाऊँगा उसमें से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, या जो भी बचा कुचा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जो भी डाउट है जिस क्वेश्चन में भी आज का टॉपिक खत्म होने दीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। देखिए पीडीएफ दिख रहा है सबको? देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, उसके बाद आपको पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड बताए थे। ठीक है इसके बीच में आपको मैंने मेथड नहीं बताया, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड कैसे, क्या मेथड है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है तो यहाँ मैंने दो मेथड लिख रखा है। ठीक अब दोनों मेथड में आपको समझा रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, इसको देखिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है आपको, एक्स इज इक्वल्स टू एस ए, एस ए है हमारा सराउंडिंग एटम, जी है जी माइनस वी, जी है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वी है हमारा वैलेंसी। ठीक है देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है नीचे में, एस ए सराउंडिंग एटम्स, जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, वी है टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला में है यहाँ पे जी माइनस वी प्लस ए फॉर पॉली एटॉमिक एनायन, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए। उसके बाद है माइनस सी, ठीक है दोनों फॉर्मूला सब सेम है, सिर्फ एक जगह प्लस ए और एक जगह माइनस सी यूज किया गया है। तो ए यूज किया है, प्लस ए यूज किया है एनायन के लिए और माइनस सी यूज किया है कैटायन के लिए। ठीक है अभी ऐसा क्यों होता है, जैसे देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल मान लो मैं उठाऊँ, सपोज कीजिए ये है एक मॉलिक्यूल हमारे पास NO3-। ठीक तो ये मॉलिक्यूल बना किससे है, HNO3 इस मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक अभी इस जगह पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और इसको क्या एक नेगेटिव चार्ज देके चला जाता है। ठीक है तो इसमें हो क्या रहा है कि ऐड हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। इस वजह से जब हम एनायन की बात करेंगे तो एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस ए दिया जाता है। उसी तरीके से कैटायन की जब बात की जाए तो कैटायन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसके वजह से यहाँ पे माइनस सी लिया जाता है। ठीक है मतलब माइनस ऑफ माइनस चार्ज, माइनस आपका जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसके लिए हम लिखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो -1 लिखेंगे, दो निकलेगा तो हम
माइनस सॉरी माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे आयन्स है मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने NO3 माइनस और NH4 प्लस भी ऐड कर रखा है क्वेश्चन में, देन ClO3 माइनस है, उसके बाद SF4 है। तो आप इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए किसका क्या आंसर होगा। देखो मैं सिंपल एक फर्स्ट क्वेश्चन में बना रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिए। तो X इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सराउंडिंग एटम, हमारे पास सेंट्रल एटम मुझे ढूंढना है जिससे सेंट्रल एटम मेरा सल्फर हो गया, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूल बना के लीजिए। मॉलिक्यूल बनाने का सही तरीका क्या है, तो उसका हमको लिविस स्ट्रक्चर या ऑक्टेट पूरा करके लेना होगा। जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन का पूरा ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। उसी तरीके से सल्फर का भी जो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से है वो भी इसका पूरा हो गया, ठीक है। तो सेंटर एटम मेरा यहाँ पे सल्फर हो गया, उसके बाद सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो थ्री ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तीन सराउंडिंग एटम है, वो भी कौन से, ऑक्सीजन वाले। तो एस ए, एस ए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री प्लस हाफ, उसके बाद जी, जी है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के बाहर में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो छह होते हैं। तो आप यहाँ देखिए सिक्स माइनस ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो होती है टू, तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स। तो सिक्स माइनस सिक्स ये हमको क्या देगा, जीरो। तो एक्स इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है आपको चेक करना है कि आपको जितने भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ाए हैं उसमें आपको चेक करना है कि तीन ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है। जैसे sp3 मैंने आपको बताया, उसके बाद sp2 मैंने आपको बताया है, फिर sp बताया, उसके बाद sp3d बताया है, sp3d2 बताया है, ठीक है। तो इसमें से आप देखो कि तीन ऑर्बिटल किसके पास है, तो तीन ऑर्बिटल मुझे देखने को कहाँ मिल रहा है, तो इस जगह पे sp2 में, ये जो sp2 है हमारा ये हमें तीन ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो SO3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमको sp2 का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए इसको आप फटाफट उतारिए, फिर मैं आपको दूसरा मेथड समझाऊंगा, दूसरा मेथड से कैसे देखते हैं। कोई डाउट है इसको समझने में, यहां तक समझने में कोई डाउट है इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन? बाकी लोगों को ठीक, तो इसको आप उतारो, फिर मैं इसी मॉलिक्यूल का दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। ये लिख के हो जाए तो यस लिखिए ताकि मैं आगे बताऊं। सबका हो गया गर्ल्स, यूज हो गया आपका? चलो ठीक है। चलिए देखिए, ये फर्स्ट मेथड है, सिंपल फॉर्मूला है, आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो मेथड है हम स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं, जिस जो ये सेकंड मेथड मैंने यहाँ लिख रखा है ये मेरा स्ट्रक्चरल मेथड भी कहलाता है। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए मैं वापस से सेम मॉलिक्यूल लूंगा। अब इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर बना के लीजिए। तो सल्फर है, ठीक, अभी ऑक्सीजन के साथ मुझे एक फंडा यूज करना होता है। तो पहला ऑक्सीजन,
जो होगा उसको आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखिए, ये जो पहला ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हर मॉलिक्यूल के साथ जाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास H2SO4, उसके बाद H3PO3, ठीक है, उसके बाद H3PO4। ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं हर किसी के लिए जनरल टर्म बात कर रहा हूँ कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ आप पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर अभी कितना ऑक्सीजन बच गया इस मॉलिक्यूल में, इसमें दो ऑक्सीजन बच गए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दो ऑक्सीजन को ऐसे लगाऊंगा, पहला ऑक्सीजन और ये मेरा गया दूसरा ऑक्सीजन। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल में और कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी दूसरा एटम, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा एटम नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड बिठाऊंगा ताकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब दूसरे मेथड में मुझे करना क्या है कि मुझे सभी सिग्मा बॉन्ड्स को गिन के लेना, जैसे मैंने पहले आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन में कि सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो ज्योमेट्री या शेप हमको बता के देता है, पाई बॉन्ड सिर्फ उस शेप को लॉक करता है या डायमेंशंस के साथ वो खिलवाड़ करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सभी सिग्मा बॉन्ड्स को गिन के लेना है। अब डबल बॉन्ड में, ठीक, इस चीज को देखिए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा कहा था और एक पाई कहा था, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने कहा था एक सिग्मा और दो पाई होता है इसमें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो एक सिग्मा एक पाई, उसके बाद एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स आया है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, वापस से उस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स को निकालूंगा जिसमें मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स मुझे किसमें देखने को मिलेगा, sp2 में देखने को मिलेगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे हम पढ़ेंगे। चलिए मैं दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो H2SO4 है, तो मैं इसका भी आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला मेरा सेंट्रल एटम सल्फर, ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन को लूंगा और इसके साथ डबल बॉन्ड को बिठा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कितने ऑक्सीजन बच गए मेरे पास, 3 ऑक्सीजन बच गए, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और मेरे पास यहाँ हो गया 3 ऑक्सीजन। अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 सल्फर थे वो भी हो गया, उसके बाद बचा कितना, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन मैं यहाँ बिठाऊंगा, उसके बाद 1 हाइड्रोजन मैं यहाँ बिठा दूंगा। अब देखो इस जगह पे इस ऑक्सीजन का मैं जिसको इसको टिक कर रहा हूँ, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब दो 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 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद जो सल्फर है सेंट्रल एटम, इसके पास ऑक्टेट पूरा होने के लिए 6 बॉन्ड चाहिए, ठीक है, लेकिन बॉन्ड कितना बन रहा है, तो टोटल बॉन्ड बन रहे 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। तो सल्फर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक और डबल बॉन्ड ऐसे बना के लेगा, तो अब इस हिसाब से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास मॉलिक्यूल तैयार हो गया पूरा H2SO4 का। अब आपको करना क्या है कि सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको आपको गिन के लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए सेंट्रल एटम के साथ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा मुझे किसमें देखने को मिलता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मुझे 4 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से H2SO4 में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हमें sp3 देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया मॉलिक्यूल, और मेरे ख्याल से फॉर्मूला से ज्यादा ये स्ट्रक्चर वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा इजी लगता है स्ट्रक्चर, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा इजी लगता है, आप किसी से ही बना सकते हैं। क्लियर है,
क्लियर है यहाँ तक? H2SO4 क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, स्पेशली H2SO4, H3PO3, H3PO4, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपका आपको क्लियर है तो नीचे के जो दो मॉलिक्यूल मैंने दे रखा है H3PO3 और H3PO4, इसको बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कितना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रहा है। विपुल कोई डाउट है या बाय मिस्टेक से रेज हैंड हो गया? विपुल स्ट्रक्चर बनाइए इसका, सेम तरीका यूज कीजिए जो मैंने अभी H2SO4 के लिए बताया है। ठीक है, दोनों का दोनों मॉलिक्यूल के लिए आप यही यूज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए आसानी से बन जाएगा। sp3 4, h3 po3, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? sp3 h3 po3 का sp3 सबका, नंदनी, पीयूष, विपुल, देखिए आप अपना आंसर लिखेंगे बना के। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो वो आंसर लिखते चले जाए, क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल और आसानी से बनने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएगा इस टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट है H3PO4 बनाइए। बाकी लोग आंसर चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ आपको जो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे HCOF4, चलिए इसका बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद H2O2, देखो ये जो भी मैं दे रहा हूँ आपको ये काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं डाला है। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। HCOF4, H2O2, देन O2, F2। H3D2, HCOF4, बाकी लोग का
बाकी का बना H2O2 का बना रहे हो जो उसके ऊपर है वो क्यों नहीं बना रहे आप लोग? ट्राई दिस वन ना, इसको ट्राई कीजिए। देखो एक्सी मैंने आपको बताया था जो क्या बोलते हैं नोबल गैसेस है उसमें ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन, ठीक है, ये दोनों फ्लोरीन के साथ मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स बना के देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक्सी पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा के, ठीक है। तो मेरा यहाँ देखो ज़ेनॉन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब बचा क्या, फ्लोरीन। तो चार फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन और हम ऐसा चौथा फ्लोरीन लगाते हैं, ठीक। उसके साथ इस ज़ेनॉन के साथ एक लोन पेयर भी आता है, ठीक है, नोबल गैस है तो जाहिर सी बात है इसके ऑक्टेट्स लगभग पूरे होंगे जिसके वजह से मुझे यहाँ एक लोन पेयर देखने को मिलता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब हमको हमारा काम क्या है, सिग्मा बॉन्ड गिनना। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक ये लोन पेयर वाला छः, ठीक। अब आपको देखना है कि सिक्स ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन किसमें है, तो sp3d2, ठीक है, या फिर और इसको हम रिवर्स लिखेंगे d2 sp3, ठीक है। चाहे आप इसको इसको लिखिए आंसर में, चाहे आप इसको लिखिए आंसर में, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये मेरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया HCOF4 का। अब देखिए H2O2 तो सिंपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा आपके पास, ठीक। उसके बाद इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएंगे, एक लोन पेयर इधर डाल दीजिए, एक लोन पेयर इधर डाल दीजिए, एक लोन पेयर इधर डाल दीजिए और एक लोन पेयर इधर डाल दीजिए, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 4 सिग्मा, ठीक है, 4-4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद O2F2 भी सेम तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन एंड अगेन ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमको यहाँ पे H2O2 में देखने को मिला वही हमें O2F2 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो प्लस और माइनस चार्ज है, एफ के ऊपर आएगा डेल माइनस और ओ के ऊपर आएगा डेल प्लस, इस चीज का ध्यान रखेंगे, एफ के ऊपर डेल माइनस, ओ के ऊपर डेल प्लस, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच के लेगा, ठीक है, इस वजह से
ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज देखने को मिलता है। और हम क्या करेंगे, अब सिग्मा बॉन्ड्स को गिनेंगे, लोन पेयर्स गिनेंगे, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो उसे भी गिनेंगे, और उसके बाद हम उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक ये मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स में कोई डाउट है? यहाँ तक मॉलिक्यूल्स में कोई डाउट है किसी को? देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्पेशली आपको काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स दे दूंगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे, ठीक है, तो आपको वो सब भी बना के लेना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये होमवर्क के तौर पर करना है। देन पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताया था, देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताया था। नॉन पोलर में हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक, देन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। एक्सी का समझ में नहीं आया? देखो एक्सी का आप सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ठीक है, एक्सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ठीक। उसके बाद आपके पास देखो मॉलिक्यूल जो दिया गया है, हमको करना क्या है, मैं एक बात बता दूं आपको कि हम हर मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर मॉलिक्यूल स्टडी करने का मतलब है सिलेबस जिंदगी भर हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में हर चीज़ का स्टडी है नहीं। तो हम एक जनरलाइज तरीका निकालते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली लिविस स्ट्रक्चर के हिसाब से बिठाया जा सके, ठीक है। तो उसको बिठाने के लिए हम लोग करते क्या है कि भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ ताकि हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस हिसाब से अगर मैं मान लो इसको बनाता हूँ, तो देखो इस सिंपल सा मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बॉन्ड्स गिन के दिखाऊंगा कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन को टोटल बॉन्ड्स कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो दो बॉन्ड चाहिए, तो इसको दो बॉन्ड मिल गया, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देन फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना है जिससे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एक बॉन्ड बन गया, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है, तो इसका भी आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए ज़ेनॉन की अगर हम बात करें तो ज़ेनॉन को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ कितने मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन से टोटल मिल रहा है 2, फ्लोरीन से यहाँ मिल रहा है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके अलावा इसके पास जो लोन पेयर है ये इसका ऑक्टेट पूरा करने में मदद करता है, ठीक, या यू कहे तो ज़ेनॉन चूंकि नोबल गैस है तो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक, लेकिन लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेरा साइज इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है, इस बात को देखिए ध्यान से सुनिए, मेरा साइज जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है, टॉप से बॉटम आने वक्त पीरियोडिक टेबल में साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6 7, ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, तो जब इसके पास फ्लोरीन नजदीक में आता है तो ये फ्लोरीन क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, चूंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसके वजह से ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, चूंकि ज़ेनॉन का साइज बढ़ जाता है इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आराम से इसको देता है, ठीक है, और इस वजह से मुझे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखता है HCOF4, ज़ेनॉन के साथ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ काफी सारे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया इसकी बात। अब देखो हर किसी का हम मॉलिक्यूल का स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा है हर किसी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हम एक्चुअली करते क्या है कि हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है लिखने का तरीका, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से उनको आप फुलफिल कीजिए। तो उसको भी जनरलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ऑक्सीजन है आपके पास, उस ऑक्सीजन का पहला ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़िए, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। ठीक है, और इस तरीके से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके लीजिए, जैसे मैंने आपको H2SO4 बताया, H3PO4 बताया, उस टाइप से। तो जब मेरा मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा तब मुझे क्या करना है उसमें, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन के लेना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मुझे गिन के लेना है। अभी सिग्मा बॉन्ड में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड्स, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इन सब को हम कंसिडर करेंगे और तब देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए मुझे दो दो चार पाँच सिक्स सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 देखने को मिलता है, हमें sp3d2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो एक s है, इसमें आप देखिए sp3d2 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, s का 1, ठीक है, s का 1, p का 3 और d का 2, तो ये हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा 6। इसका मतलब है कि 6 सिग्मा बॉन्ड हमको दे रहा है, इस हिसाब से मेरा ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा इस मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर हुआ रुपम? रुपम क्लियर है? देखो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला दिया है आप एक बार उससे भी ट्राई करके बना सकते हैं। ठीक है, देन देखो यहाँ पे मैंने पोलर और नॉन पोलर का जो आपको फंडा बताया था वो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस जगह पे CCl4 है मेरे पास और यहाँ पे CCl3H है, या यू कहे तो CHCl3 है। ठीक है, देखो इसमें मैंने एक नया सिंबल ऐड किया है, ये जो सिंबल है ये एक सिंबल है इस टाइप का जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसको। ठीक, तो ये बेसिकली हमको क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट के बारे में बताता है, या तो इसको आसान भाषा में ये समझिए कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ बढ़ेगा, और जिधर ज्यादा बढ़ेगा हम ये एरो उस साइड की ओर करते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो एरो है हम उसको उस साइड में दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले स्ट्रक्चर में जो CCl4 है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लोरीन, देन सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन और ये फोर क्लोरीन। ठीक है, अभी चार क्लोरीन है, टेट्राहेड्रल शेप दिखाते हैं, हर किसी के बीच में सेम एंगल, सेम डिस्टेंस, सब कुछ। तो चारों क्लोरीन इस कार्बन पे सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, जिसके वजह से इस जगह पे मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है वो जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा झुके हुए नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि चारों सेम ताकत से लगा रहा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी को आप बीच में रखिए, उसके बाद तीन साइड से रस्से से उसको बाहर खींचिए, तो आप तीनों तरफ अगर सेम खिंचाव है तो वो जो बीच में बंधा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, वहां से हिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उस बाकी तीनों फोर्स हर किसी को न्यूट्रलाइज कर रहा है इस वजह से। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या यू कहे तो इलेक्ट्रॉन एक साइड की ओर जो खिंचा हुआ जाता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबका सेम है, जिसकी वजह से हमको डायपोल मोमेंट यहाँ कितना देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब हम CHCl3 की बात करें, CHCl3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ठीक है, लेस देन क्लोरीन, ठीक। जिसके वजह से ये क्लोरीन क्या करेगा, पहले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तीनों क्लोरीन, ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, दूसरा जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है, ठीक। जिस वजह से कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लेगा, और इसी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है हाइड्रोजन का वो नीचे दिखता है, ये नीचे दिख रहा है हमें, ठीक। उसके बाद बाकी क्लोरीन का क्लोरीन की तरफ दिख रहा है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, ये नेट डाइपोल मोमेंट हमें नीचे की साइड देखने को मिलता है, ठीक। उसका रीजन यही है कि जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उधर आपको डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, और जो स्ट्रक्चर है वो भी उसी साइड में शिफ्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एक नया टर्म आता है, दैट इज डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट आपको स्ट्रक्चर समझाने में भी काफी मदद करता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं फर्दर ऐड करता हूँ, इसी टॉपिक में मैंने ऐड किया है जो हम आगे की ओर देखेंगे। जैसे देखिए पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मैंने आपको बताया था कि 1.7 होगा तो 50% आयनिक 50% कोवलेंट, ठीक है। 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर को शो करेगा। सब मैंने पॉइंट्स में ऐड किया है। देन एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। आपको अगर क्वेश्चन दिया रहे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हो दो एलिमेंट का, ठीक है, तो हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल के लेते हैं, ठीक। एक